और एकदम खतरनाक टेस्ट के साथ में लड़ा स्टार्ट द डे विद छोले भटूरे। धन्यवाद तुसी अपने दोस्त नु मिलन पहाड़गंज गए ओनु छोले भटूरे खाए और साडे लिए ले आए। गुड मॉर्निंग गाइस, आज है फूडी संडे का दिन, आइए दिन चालू करते हैं और दिखाते हैं आपको क्या स्पेशल किया था सुबह सुबह। सुबह सुबह ना यहाँ पे खोसला का गुस्सा वाला सीन हो रहा था, अंकल वो हा 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 लाफ्टर वाली चीज कर रहे थे। जो होता बढ़िया छोले भटूरे खाने जा रहे हैं, चलोगे? चलोगे सही बता रहा हूँ भाई, सुबह सुबह वॉक कर लेते पहले, फिर छोले भटूरे एक्स्ट्रा खाएंगे। विराट कोहली ने तो बोलता है कि भाई पहले छोले भटूरे खाओ फिर एक्सरसाइज, पहले छोले भटूरे खाते हैं सही, वापसी आके वॉक करेंगे। डन है, नींद खुल गई तेरी? पापा योगा कर रहे हैं। कौन सी पिक्चर कह रहा था तू, जिसकी स्टोरी अभी भी बाकी है? रात अकेली है। रात अकेली है, पूरी रात भर ये बैठा रहा, रात अकेली है देख लो, रात अकेली है देख लो, किसी ने नहीं देखी। फिर हम लोगों ने टीवीएफ की कोई तो वेब सीरीज देखी थी जो इस भाई यहाँ बहुत एक्टिव लोग दिख रहे हैं मेरे को। मोस्ट आइकॉनिक छोले भटूरे ऑफ दिल्ली होगी तेरी दिल्ली पोस्ट। अब ये तो हो गया, एक एक राधे श्याम भी हो जाए, हो जाए पहले ये खा ले। अरे एक दोस्त भी आ रहा है उसके बाद। वेलकम टू दिल्ली, ये खाइए दिल्ली के फेवरेट छोले भटूरे। भाई एक लगा दीजिए, एक प्लेट इधर आओ लो, दिल्ली वालों का बढ़िया जायका। सैनी मीट अविरल, अविरल मीट सैनी। हाँ थोड़ा सीताराम के छोले भटूरे खाने के बाद ना यहाँ एक बहुत बढ़िया जलेबी वाले भैया बैठते हैं जो इमरती बनाते हैं, सिद्धांत की फेवरेट है, अगर वो नहीं खाई ना तो कुछ मिस नहीं करा आपने, तो दिल्ली का खाना खाया ही नहीं, बिल्कुल कुछ मिस, दिल्ली का खाना खाया ही नहीं। भाई एक बार मैं इसको लेके आया, ये बढ़िया वाली जलेबी खा, जैसे होता ना कभी एक बार उसको ना देख के थोड़ा सा अजीब सा लगा, उसने खाई नहीं, तब से बोलते रह गया तूने टेस्ट करी है कभी? टेस्ट तक नहीं करी। देख के मैं समझ गया था। आइकॉनिक मोस्ट। और जलेबी में ऐसा क्या हो सकता है कि वो ऐसे अच्छी बना दे? एक विलायती यूट्यूबर आया था उसको खिलाई थी, उसको भी अच्छी लगी थी भाई। उनको सारे इंडियन डिशेस लगते हैं जो क्या कहते हैं फॉरनर्स को भाई। जलेबी इंडियन फूड ब्लॉगर्स को भी अच्छी लगती है वो जलेबी, वो बहुत आइकॉनिक जलेबी है पहाड़गंज की, सही बता रहा हूँ। अभी शायद मिल रही होगी, यहाँ से 5 मिनट की वॉक ही है। ऑनलाइन सर्च कर ले बेस्ट जलेबी इन दिल्ली, उसमें टॉप 10 में उसका नाम आ जाएगा, इतनी फेमस है वो जलेबी, बहुत बढ़िया जलेबी मिलती है खाना। और फिर सिद्धांत को डीएम करना कि ये बेस्ट जलेबी है, डेफिनेटली ईट इट, हेटर्स हेटर्स ऑफ जलेबी। खा ले भाई आज तो खा ले, वो दिखाओ बट इस जलेबी में इस इमरती में जितना बढ़िया टेस्ट दाल का आता है ना मुझे बहुत पसंद है। 60-70 साल पुरानी दुकान है, सैनी की बातों में मत जा। पता कितने लोगों ने मेरे को डीएम कर करके फोटो भेजी है पीली मिर्ची की, याद है ना तूने पीली मिर्ची कमेंट, याद है कि नहीं है? कितने लोगों ने डीएम किया पीली मिर्ची दिखाओ सैनी को। मेरी बात तो सही थी पर कि वो पीली मिर्ची थोड़ी है, सही तो सेव, पर तूने बोला पीली मिर्ची एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो बात अलग है, वो बात गलत थी। मैंने बोला था कि चाट पकौड़ी वाला पीली मिर्ची को रखेगा, वो रखते हैं लोगों ने वही फोटो भेजी है चाट पकौड़ी वाले पीली मिर्च के साथ में। तू इंडिया घूमता ना, पूरे इंडिया में घूम कर गई, और बताइए मुझे किसानी यहाँ चाट पकौड़ी वाला मिलकर जो पीली मिर्च रखता है। अरे कितने रखते हैं मैं तेरे को दिखा दूंगा, कितने के तू एक दिखा दे। एक एक और जलेबी हो जाए, एक एक और बस, एक एक और नए बंदे से पूछा था। एक और जलेबी हो जाए, एक और दुबई में नहीं मिलेगी ऐसी जलेबी, दुबई में नहीं मिलेगी। कुछ नहीं मिस कर रहा बहुत भाई, अल्टीमेट जलेबी मिस कर रहे हैं सीताराम के आओ, और ये इमरती जलेबी नहीं, इमरती ना खाओ तो फिर आपने कुछ खाया ही नहीं है। अंटिल नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, रोहिणी दर्शन करा दिया, दिल्ली दर्शन कर रहे, रोहिणी दर्शन करना बहुत जरूरी है। चल ठीक है, हाँ जी सुबह सुबह हम लोग लाए हैं सीताराम दीवानचंद पहाड़गंज वाले से छोले भटूरे, और एकदम खतरनाक टेस्ट के साथ में लड़ा स्टार्ट द डे विद छोले भटूरे। गुड मॉर्निंग फूडी संडे में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग है जी, छोले भटूरे पहाड़गंज के सीताराम दीवानचंद के, ये आज सही है, कुछ दिन छोले ठीक नहीं लग रहे थे, आज सही है, खाओ इंजॉय करो। धन्यवाद तुसी अपने दोस्त नु मिलन पहाड़गंज गए ओनु छोले भटूरे खाए और साडे लिए ले आए, ऐसा फूडी संडे तो मजेदार ही हो गया है। यस एकदम टेस्टी वाले छोले भटूरे, मजा आ गया, मजा आ गया। आपको क्या ज्यादा पसंद है, छोले भटूरे या प्याज कचौड़ी?
प्याज कसौड़ी से तो यही अच्छे हैं फ्रेंकी। छोले पर ये मेरे को मिर्ची किस खुशी में दी, मैं कब से मिर्ची खा रही हूं। मम्मा ये वो खट्टी वाली मिर्ची होती है, खा के देख लूं फिर। हाँ खा के देख लो, स्पाइसी नहीं है। चलो ऐसा मैंने वहाँ पे खाया था, वहाँ तो स्पाइसी नहीं थी। खाओ एंजॉय करो दोनों के दोनों मजे से। पापा वो अलग जगह ना, वो कुछ जबरदस्त, ये एकदम मस्त वही टेस्ट है। वो अलग जगह के हैं, ये अलग, वो पहाड़गंज के हैं, ये रोहिणी के, वो इधर के थे पीतमपुरा के, दोनों अलग अलग जगह है। एंजॉय, आज मजा आ रहा है ना? बस आज मजा आ रहा है बस। ठीक, गुड मॉर्निंग। आज सुबह सुबह के नाश्ते में क्या है? छोले भटूरे पहाड़गंज के, सीताराम के। कब खाने? साथ में खाएंगे। क्या सोच रहे, क्या बोलने वाले थे आप? कहने वाली थी हमारे हर संडे छोले भटूरे जैसी चीजें होती है। भाभी अब क्या करें? एक्चुअली क्या था ना, एक्चुअली मैं अपने एक दोस्त से मिलने गया था, तो हमने मीटिंग पॉइंट डिसाइड किया। अब वो दिल्ली का था नहीं, तो उसने बोला दिल्ली का बढ़िया खाना खिला, सबसे पहले दिमाग में आया छोले भटूरे। फिर मैंने बोला कि अगर वो 10 जगह सर्च करेगा उसको दिखेगा सीताराम के छोले भटूरे। बीइंग अ फूड ब्लॉगर मेरा काम है उसको बेस्ट जगह लेके जाना। राइट, सो आई वाज जस्ट डूइंग माय ड्यूटी। घर के लिए भी लेके आओ। तो कल रात को बढ़िया सी खतरनाक वाली टेस्टी बिरयानी खा ली थी, और फिर रात में मंचिंग कर रहे थे चिप्स वगैरह, जो आपने देखा वो कल के व्लॉग में। अनार का जूस 250 ml मंगवाया था, 1 लीटर आ गया उसके साथ में। फिर थोड़े मोमोज वगैरह मंगवाए थे, अब वो मोमोज के साथ ना चटनी चुटनी भैया ने बहुत कंजूसी से दी थी, बहुत ज्यादा। 2 प्लेट मोमोज में सिर्फ एक ऐसे चटनी था, बहुत कंजूसी। तो वो मोमोज बहुत ही अनमने मन से खाए। फिर सुबह सुबह छोले भटूरे का प्लान सोच रहे थे बनाए ना बनाए, और इतने ही मेरे एक दोस्त से भी बात चल रही थी कि वो भाई उसकी दिल्ली से फ्लाइट है, मतलब उसको संडे को शाम को दिल्ली को निकलना था और वो एक दिन के लिए दिल्ली में था। तो मैंने बोला भाई रात में तो फिर बिरयानी का प्लान बना हुआ है, वो उसके लिए लेट हो रहा था, तो सुबह सुबह के छोले भटूरे उसका डन, मेरा डन, मैंने सैनी को बना लिया, हम तीनों का डन, छोले भटूरे खाए। बट फिर सुबह सुबह इतना हैवी ब्रेकफास्ट कर लिया था तो मैं सिर्फ घर वालों के लिए लेके आया। अब मैं क्या खाऊंगा खाने में वो चीज आपको दिखाता हूँ। आजकल बड़े कुछ दिनों से ना एक मस्त सी चीज पसंद आ रखी है मेरे को, कभी लंच में खा लेता हूँ, कभी ब्रेकफास्ट में खा लेता हूँ, दूध, ओट्स और तीसरा क्या, दूध, ओट्स, हल्दी, काली मिर्च, 4 चीजें। और मिठास के लिए एप्पल, एप्पल का प्यूरे बनाकर डालता हूँ, तो वो एकदम मस्त सी बढ़िया सी चीज बन जाती है। मतलब ज्यादा नहीं ज्यादा ऐसी भी नहीं कि बिल्कुल ऐसा हेल्दी हेल्दी लगे, टेस्टी होती है, चटपटी तो नहीं, टेस्टी होती है। एक कटोरी दूध, 1 स्कूप ऑफ ओट्स, मतलब 1 सर्विंग ऑफ ओट्स, और 1 एप्पल लेता हूँ। अभी पीछे भाभी ने ये इसके साथ बनाई थी, ये थोड़ा दूध गिर गया था, स्ट्रॉबेरीज के साथ या फिर बेरीज के साथ ना, वो ओट स्मूदी टाइप से बनाई थी, तो मैंने देखा फ्रिज में पड़े हुए हैं, मैंने बोला स्ट्रॉबेरीज कट करके भी ऐसे डाल लेते हैं, मस्त सा लगेगा। स्ट्रॉबेरी को प्यूरे भी कर सकते हैं, फिर ये स्ट्रॉबेरी ओट्स बन जाएंगे। स्ट्रॉबेरी ओट्स बना के देखें आज, और ये एप्पल, वी आर मेकिंग स्ट्रॉबेरी ओट्स। एप्पल को क्रंच के लिए रखते हैं और स्ट्रॉबेरी को स्वीटनेस और प्यूरे के लिए रखते हैं। मेरे को ना ओट्स खाना पसंद है, पर गर्मियों में नहीं। अब गर्मियां जैसे आ रही है ना, तो गरम गरम ओट्स का कुछ ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। उस दिन भाभी ने वो ओट्स पुडिंग टाइप से बनाई थी ना, वो एक बढ़िया आइडिया, पहले बना के रख लो, रात में ठंडा कर लो, और सुबह सुबह उठ के ठंडे ठंडे ओट्स खाओ। गर्मा गर्म गर्मी में ठंडे ठंडे ओट्स, कूल कूल कॉम्बिनेशन। घर बैठे बैठे फ्लेवर्ड ओट्स तैयार हो गए, नेचुरली स्वीटेंड स्ट्रॉबेरी ओट्स। वन डे आई थॉट कि मैं आपको दिखाऊंगा क्या बनाया मैंने और क्या घेपा बन गया। सो ये ना जो भी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर होते हैं, मैंगो फ्लेवर होते हैं, ऑरेंज फ्लेवर होते हैं, इनके अंदर फूड कलरिंग डालते हैं, वरना एक्चुअल स्ट्रॉबेरी ऐसी होती है, और अगर उसका प्यूरे लो तो फिर आपको पता ही है कैसी निकलती है। तो ठीक है, नेचुरल कलर, थोड़ा सा वो मिक्सी में बच गई थी, उसको मैंने ऊपर ऐसे स्प्रेड कर दिया, दूध के साथ मिक्स होके, ओट्स के साथ मिक्स होके सही हो गया। इसमें नट्स नोट्स सब डाल दिए। अब ये मेरा लंच है, अब इसको खा के मैं मस्त सोऊंगा, क्योंकि कल रात को हम लोग 4-5 बजे तक तो टीवी देख रहे थे। TVF की कोई तो सीरीज थी 2016 या 17 की, 4-5 एपिसोड ही थे, उसके 4 एपिसोड्स देखे, फिर नींद आ गई, सुबह छोले भटूरे खाने थे, तो अभी नींद भी पूरी करेंगे इसको खाने के बाद। चलो जी, बात करेंगे आपसे बाद में, बाय बाय। इसके अंदर एक दूसरा चम्मच देख रहे हो, मैंने कुछ छेड़खानी करी है इसमें, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं खाए जा रहे थे भाई, प्लीज़ इसको ऐसे मत बनाना, बहुत गड़बड़ लग जाएगा। मेरी रेगुलर वाले ओट्स जो है ना, वो बहुत टेस्टी बनते हैं। वो कैसे बनाते हैं, 1 कटोरी दूध,
एक स्कूप ऑफ ओट्स, एक एप्पल, आधा आधा नहीं एक चौथाई के क्यूब्स कर लो और तीन चौथाई को एकदम प्यूरे कर लो और उसके अंदर डालो आप थोड़ी सी सिनेमन पाउडर डालो, एक चुटकी भर सिनेमन पाउडर, उससे भी छोटी चुटकी हल्दी और उससे भी छोटी चुटकी काली मिर्च की, बस खा लो। अगर हल्का कम मतलब बहुत ही फीका लग रहा हो तो बहुत थोड़ा सा हनी डाल लो, एकदम परफेक्ट चीज़ बनेगी। ये भी अच्छी बन गई है, कभी फुर्सत में बताऊंगा इसको क्या अच्छा करा है। ये अच्छी होगी है और थोड़ी सी ग्रीसी भी होगी। नाइस भाई, अब मैं इसको खा के आराम से सो जाऊंगा। बात करेंगे कल के ब्लॉग में, कल मोस्ट प्रोबेबली करेंगे होली की शॉपिंग। आप जब ये ब्लॉग देख रहे होगे तो अगले दिन होली होगी। आप बताओ आपके क्या होली के प्लान्स हैं, क्या करने वाले हो, क्या होता है होली में, क्या कैसी होली खेलोगे, बिकॉज होली इज वन त्योहार जब बुरा ना मानो होली है। और हम लोग तो होली बहुत ही मतलब हम सारे दोस्त मिलके ना होली कैसे खेलते हैं बस। जिन लोगों के बोर्ड के पेपर चल रहे हैं पढ़ाई करो, होली खेल लो, थोड़ा बहुत घर में खेल लो ठीक है, पर पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करो, पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करो। आई थिंक मैथ्स का पेपर नेक्स्ट है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ऑल द बेस्ट सब लोगों को। होली के प्लान्स क्या है कमेंट्स में बताना। कल लेके आएंगे होली के रंग। बुरा ना मानो होली है। बाय बाय।